गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 90% निःशुल्क राशन का वितरण कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट चावल का वितरण किया गया है। चावल वितरण ई पॉश मशीन में कार्ड धारकों के आधार कार्ड की फीडिंग के आधार पर किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक कार्ड धारकों को 1 किलो दाल और 1 किलो चना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सुविधा 3 महीने तक जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने कहा, अभी तक कल 9:30 बजे के जो हमारे पास रात में रिपोर्टिंग है वो 90% प्रधानमंत्री जो गरीब अन्न योजना के तहत जो चावल हम लोग वितरण करा रहे हैं वो 90% तक वितरण हो चुका है। अभी ये मेरा वितरण कल तक है और कल उन लोगों को हम विशेष करके आह्वान करेंगे जिनका अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हो पाया है तो उनको हम प्राक्षिक माध्यम से दिलवाएंगे। हर महीने लगभग यही 92-93% ही वितरण होता है। सर एक प्रॉब्लम है कि कार्ड में नाम होता है 5-6 लोगों का देखिए इसमें हम आपको बताना ये चाहते हैं कि अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके यूनिट गोरखपुर में भी है और दूसरे जनपद में भी, जैसे सपोज महाराजगंज में कोई लड़की यहाँ पे है शादी हो गई कुशीनगर में तो वहाँ भी बनवा लिए हैं यहाँ भी बनवा लिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ भी उनका यूनिट है लखनऊ में बनवा लिया है तो चूँकि हमारे पोर्टल पर मुझे सस्ती रुपये कैसी दिखती है तो अगर इस टाइप को कोई लगता है तो हम लोग उसको एक जगह से डिलीट करते हैं ताकि एक जगह से राशन लें। और दूसरी समस्या होती है कि बार बार लोगों से मांगने के बावजूद बार बार लोगों से मांगा जाता है कि जितने परिवार के सदस्य हैं उनका आधार कार्ड आते हैं लेकिन किसी किसी कार्डवर को आधार कार्ड नहीं देते। बार बार कहने के बावजूद भी तो उस परिवार में दूसरा राशन कार्ड उनके आधार पर बनवा लिए हैं तो हमारे पास जो क्योंकि ई पॉस मशीन में जो भी यूनिट रहती है उसी के आधार पर हम अलाटमेंट कोटेदार को देते हैं और वह कोटेदार जो है उनको अलाटमेंट देता है। तो इस संबंध में मेरा लोगों से अपील है कि अगर किसी की यूनिट कट गई है या कोई मैटर है तो सीधे हमारे या तो ऑफिस में हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर या हमारे फोन नंबर पे या तो CSC से जनसंचार केंद्र से अपने कार्ड में यूनिट जुड़वा तो उसका प्रिंट आउट हमें दे दें हम तुरंत उनका कर देंगे इसमें कोई इशू नहीं। अभी देखिए यहाँ चना बटने के है अभी हमारे पास चना पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाया है क्योंकि पूरे देश में दाल के घोषणा हुई है वितरण की तो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा तो अभी फिलहाल जब डेट आए वितरण तो होना है वो तय है लेकिन अभी डेट उसी नहीं आई है जैसे डेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। पहले हमारे यहाँ चना वितरण करते हैं अभी हम आपको बताएं कि इस संबंध में प्रशासन तक के स्तर से एक पत्र आया है कि हम अधिकारियों के गोदाम से स्थिति लगाते 100% बोरों के चावल बढ़ाते उसको खा जाएंगे तो इस संबंध में हम DM साहब के स्तर से एक स्थिति बन गई है। आज मैं जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कुछ वहाँ पुलिस गोदामों पर लगाऊँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि वो 100% बोरों के वजन खाने से रखते हुए उनको यहाँ से निकासी सुनिश्चित कराएँ। एक 3 महीने के अप्रैल 1 महीना हो गया मई और जून तो मतलब कि इसमें दो स्कीम है एक है रेगुलर जो हर महीने वितरण हमारा होता है तो उसके तहत 1 से 12 तक शेड्यूल बनाए गए हैं जिसमें समस्त अंतोदय कार्ड होल्डर मनरेगा के जो IT जॉब कार्ड होल्डर जो श्रमिक हैं और जो नगर निगम में पंजीकृत जो ठेले लगाने वाले खंचे लगाने वाले उनकी जल्दी तो उन लोगों को निःशुल्क से सबको जो अन्य पात्र व्यक्ति के कार्ड होल्डर हैं उन्हें 2 रुपये जो है 3 रुपये के चावल के साथ वितरण पर फेज में किया गया। सेकंड फेज में प्रधानमंत्री जो गरीब अन्न योजना के तहत आया है इसमें चावल ही है 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से 15 से 26 के बीच में शेड्यूल बनाया गया इसमें अंत्योदय और पात्र व्यक्ति सबको यूनिट माना गया है चाहे वो अंत्योदय को हैं उनको भी यूनिट के हिसाब से देना है और चाहे पात्र व्यक्ति और सबको निःशुल्क इसमें कोई चार्ज की चना और दाल को भी निःशुल्क रहेगा।
एक किलो प्रति कार्ड के हिसाब से दिया जाएगा, एक किलो प्रति कार्ड।